पर हैट और बदन पर बीएसएफ की वर्दी। जब कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने हो तो जाहिर है जवानों का जोश और उत्साह अपने आप ही बढ़ जाता है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के सरहदी इलाके कच्छ की, जहां सीमा पर तैनात जवानों संग दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल भी परंपरा निभाई और दिवाली का जश्न मनाने पहुंच गए सीमा पर तैनात जवानों के बीच। प्रधानमंत्री ने यहां बीएसएफ के जवानों के साथ ही सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों को भी दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और उनकी हौसला अफजाई भी की। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से हर साल दिवाली के मौके पर उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात जवानों के साथ मिलने की परंपरा निभाई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जवानों से कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं और कृतज्ञता का संदेश लेकर मैं यहां आया हूं। देश के लोग आप में सुरक्षा और शांति की गारंटी देखते हैं। दुनिया भारत की ताकत देखती है और दुश्मन अपनी नापाक मंसूबों का अंत देखता है। उन्होंने कहा कि भारत में अब एक ऐसी मजबूत सरकार है जो एक इंच की सीमा पर भी समझौता नहीं करती है। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली पर सैनिकों के साथ जश्न मनाने की ये परंपरा साल 2014 में सियाचिन से शुरू हुई थी। इसके बाद साल 2015 में पंजाब बॉर्डर, साल 2016 में हिमाचल प्रदेश के सुमदो, साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर, साल 2018 में उत्तराखंड के हरसिल, साल 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी, साल 2020 में राजस्थान के लौंगेवाला और साल 2021 में कश्मीर के नौशेरा में उन्होंने सैनिकों संग दिवाली मनाई थी। इसी तरह से साल 2022 में जम्मू कश्मीर के करगिल और साल 2023 में हिमाचल के लैपचा में दिवाली मनाकर उन्होंने ये परंपरा जारी रखी थी। कुल मिलाकर अपने परिवार से दूर सरहद पर देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री का ये भावनात्मक जुड़ाव और मुलाकातें न केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाती हैं, बल्कि पूरे देश को ये एहसास कराती हैं कि हमारे जवानों की सेवा और उनके बलिदान का सम्मान हर भारतीय करता है।